किसी बाहरली कंट्री की एक गल है जिहड़ी तुहाडे नाल सांझी कर रहे हां। तुसीं देखिया होएगा जिहड़े फिल्मां वाले लोग ने सीरीयल्स ने या जिहड़ी कॉमेडी हुंदी है पूरी दुनिया च किसी भी तरीके नाल ओह किसी चैनल ते चलदी है या कुछ है उहदे च क्रिएटिव जिहड़े हैड रखे जांदे ने और क्रिएटिव हैड की बड़ी महत्ता हुंदी है। क्रिएटिव हैड नाल मेरा मतलब है कि जो कुछ लिखिया जांदा है जिवें हुण अपने इत्थे स्टोरी राइटर स्टोरी लिखदा है उस तो बाद फिर डायलॉग राइटर उसे ते डायलॉग लिखता है फिर उसका स्क्रीन प्ले बनता ता कि उन्हें पिक्चराइज किया जा सके। इस तरह क्रिएटिव हैड होंदा जिहड़ा तुहाडी सारी चीज़ का ना जिवें जूस कढ दिंदा है कि वह फिर जाके अगे शूटिंग उहदी हुंदी है उस चीज़ की चाहे वह कोई भी डायलॉग है फिल्म है सीरीयल है कुछ भी है। इसी तरह एक यंग लड़का क्रिएटिव हैड सी अच्छी खासी उहदी तनखाह सी ते अंग्रेज सी और उहदी जिहड़ी है अरेंज मैरिज होई नूं 1.5 महीना बीतिया सी कि वह परेशान रहन लग काम च उहदा मन ना लग्या करे ते सारे हैरान भी इन्ना मेहनती बंदा और हर चीज़ नूं सूई दी नोक तक नूं डायलॉग्स नूं हर एक चीज़ नूं बड़ी अच्छी तरीके नाल उह देखदा सी लेकिन इहनूं हो की गया भी हुण तां इहदा विआह होया। एक दिन दो दिन चार दिन 1 महीना लगभग इसे तरीके लंघ गया उहदी परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो हो गई। वह आंदा दफ्तर एवें घुग्गू कांगड़े जिहा वाही जांदा उत्थे पेन नाल पेंसिल नाल काम करन नूं उहदा दिल ही नहीं सी करदा। अच्छा जे किसी स्क्रिप्ट नूं उहने कोई काम कर भी देना तो वह देखते सीगे कि यार होया तो है नहीं कुछ इहदा कोई मतलब तो निकलिया नहीं। बॉस बहुत सियाणा सीगा उसने उसनूं फोन करिया कैबिन च कहिंदा मेरे कैबिन च वह आ गया कहिंदा जी सर कहिंदा बैठो हैव सम बीयर नहीं नहीं कहिंदा कोई नहीं उत्थे चलदा अपने देश च इस तरह नहीं चलदा। चलो जी एक दो जदों तीसरी बीयर वह पीन लग्गिया गल्लां गल्लां च उहने पुछया भी की परेशानी है कहिंदा जी नहीं 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 कहिंदा कुछ तो परेशानी है भी हुण तू फैमिली मैंबर वांग है हुण मैं तेरा बॉस नहीं मैनूं दस की परेशानी है कहिंदा जी जद्दा मेरा विआह होया मेरी घरवाली ने जान खा रखी है भी मैं आ कंट्री जाके घूमना है भी मेरा सपना है भी मैं विआह तो बाद उत्थे हनीमून मनाउण जाना सी लेकिन तैनू छुट्टी नहीं मिलती मैं दस की करा मतलब कहिंदा साडा इन्ना कु भयंकर झगड़ा हुंदा वह विआह का सारा मज़ा ही खराब हो गया। बहुत सोचण लग गया चलो जी उहने कहा कोई गल नहीं ठीक है तू अपने घरवाली नूं फोन कर ते उहनूं कह के आपां हफ्ते दे विच विच उत्थे चलांगे। उहने अपने घरवाली नूं फोन करता भी एक हफ्ते दे विच विच आपां फलानी जगह जावांगे जिस कंट्री च तू जाणा। चलो जी बॉस ने अपने रिस्क ते जिहड़ा है उहनां दी टिकटां टुकटां सारियां बुक करातियां। जदों मुंडा जाण लग्गिया फ्लाइट ते उह कहिंदा यार इह लैपटॉप जिहड़ा है तू नाल लै जा इह कुछ कागज़ पत्तर ने इह पूरा बैग है इहनूं अपने नाल लै जा। वह कहिंदा ठीक है बॉस का हुक्म है घूमन चलिया जी एक बैग नाल ले जाना पिया तां कि कहिंदा जी की है कहिंदा कुछ नहीं अपनी स्क्रिप्ट स्क्रूप्ट है कदे टाइम मिले तो देख ली कहिंदा कोई नहीं जी ठीक है टाइम मिलेगा जरूर देख लाँगा। चलो जी घरवाली बहुत खुश वो जिस कंट्री भी वह जाना चाहते सी चले गए अच्छा खासा होटल वो जी उत्थे जांदे ही उन्होंने जी होटल मिल गया सवेरे उठते तो घूमन लग जाते फोटोआं खिंचो दुनिया की हर चीज़ हर खुशी उन्होंने को पैसा खुला सीगा ते वह घूमते फिरते जो 10-15 दिन हो गए तो वह घरवाली भी अक गई घूम घूम के भी मैं नहीं जाना तो वह कहती तू की करना है कहती वह बैग किस चीज़ का वह कहता मेरे बॉस ने दिता सीगा भी स्क्रिप्ट कहती देख खोल के उन्हें स्क्रिप्टा खोलियां तो सारिया काम करने वाला सीगा वह जी फिर कहता चलो आप पार्क चलते हैं वह जनानी जी थोड़ा बहुत घूम फिर लेंदी सी इधर उधर कुछ ना कुछ देखती सी तो वह बैठ के उत्थे अपना स्क्रिप्टा कर करके उसनू उत्थे बॉस नू मेल राही सेंड करी गया। वह छुट्टी भी मना रहा तो वह बॉस नू काम पहला तो तिगना दे रहा उत्थे बैठ के वह फिर सारे लोग दफ्तर उत्थे हैरान कि यार घूमन गया कि काम कर रहा वो बॉस ने कहा जो आएगा ना मैं फिर दसागा। चलो जी 1 महीना हो गया उसनू बॉस स्क्रिप्टा उन्होंने मेल करी जाता सी उन्हों सीधियां करके अपना राइट करके जड़ा है वह मेल करता रहा। 1 महीने बाद जो छुट्टियां खत्म होने लगियां कहिंदा बॉस मैं वापस आ रहा कहिंदा नहीं दूसरी कंट्री भी जा। 1 महीने की होर एक्सटेंशन जी मिल गई वो खाते च पैसे पै गए होटल बुक हो गए दूजी कंट्री भी चले गए बहुत खुश होती घरवाली। तो तुम ये देखो कि दूसरी कंट्री भी महीना लाया उन्हें तिगुणा चौगुणा 5 गुणा काम करके दफ्तर में भेजिया फिर जो खर्चा देखिया बॉस ने जिहड़ा मालक सी उसने बॉस नूं बुलाया फिर बॉस ने सारी कहानी दसी कि जी इदां इदां करके गल सी लेकिन इहदा काम 5 गुणा है आपां नूं इन्ना बेनीफिट होया जी 5 गुणा उसनूं तां जिहड़ा तरक्की मिलनी सी मिलनी मुंडे नूं उह तां मिली मिली सारे स्टाफ नूं बोनस भी मिलिया
और बॉस की भी तारीफ हुई, बॉस की भी तरक्की की गई। इस करके कितने ना कितने कभी समझदारी वरतनी चाहिए है। और देखो कई बारी बंदे नू पता नहीं हुंदा किसे गल करके परेशान है या किवें, लेकिन इस स्टोरी का किन्ना हैप्पी एंडिंग जड़ा है एक बॉस वालों वो किया गया। बस इन्नी किसी गल जी थोड़े न सांझी की। खुश रहो, सतर्क रहो और हमेशा देखते रहो एवन पंजाबी चैनल। फ्री रिलीफ आयुर्वैदिक ऑयल यानी कि 125 बीमारियों का संपूर्ण इलाज। फ्री रिलीफ विजिलैक्स वेट लूज, मोटापे तो परेशान होने की जरूरत नहीं, वजन घटाओ ते खुश हो जाओ। फ्री रिलीफ पावर मर्दाना कमजोरी नू खत्म करता है ते नरक भरी जिंदगी विच लियांदा है रौनक। फ्री रिलीफ पावर, कब्ज तो परेशान होने की हुण जरूरत नहीं है, कब्ज तो छुटकारा पाउण लई आ गया कब्ज हर चूरन। कब्ज हर चूरन नू अपनाओ ते कब्ज तो छुटकारा पाओ। हुण तक लखां मरीज लै चुके ने फायदा। वधेरे जानकारी लई तुसी संपर्क कर सकते हो 9478484087। नंबर एक बार फिर तुसी नोट कर सकते हो 9478484087।